कई माताएं कर रही होंगी पूर्णिमा का व्रत, एक समय फलाहार करती हैं, एक समय भोजन करती हैं, भोजन में खीर होना जरूरी होता है पूर्णिमा के व्रत में, दूध की सामग्री होना जरूरी होती है पूर्णिमा के व्रत में। 12 महीने की पूर्णिमा करो मना नहीं है, और पूर्णिमा उठाने का भी समय होता है, चैत्री चैत्र के महीने की जो पूर्णिमा होती है चैत्री पूर्णिमा, पहली पूर्णिमा मानी जाती है, इसलिए चैत्री पूर्णिमा को सिद्ध पूर्णिमा कहते हैं, कार्य सिद्धात्री पूर्णिमा कहते हैं, सिद्ध करने वाले मनोरथी पूर्णिमा कहते हैं। मनोरथी पूर्णिमा, इसलिए पूर्णिमा का व्रत कहां से उठाया जाता है, चैत्र के महीने की पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत उठाया जाता है, कि मैं महीने की पूर्णिमा करूंगी तो चैत्र पूर्णिमा से उसको उठा लिया जाता है, पर उसका एक नियम रहता है, आप फलाहार करें अपनी जगह पर, एक समय भोजन कर रहे हैं वो अपनी जगह पर, भोजन के साथ में मीठे के साथ थोड़ा दूध की सामग्री होना जरूरी होती है। और क्यों करते हैं पूर्णिमा का व्रत, किस लिए किया जाता है, क्यों करा जाता है, उसका व्याख्यान वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में लिखा गया, स्कंद पुराण में वर्णन किया है श्री वेद व्यास जी महाराज ने, कहा यह पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन गलत क्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है, तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है, तो कहा ये चंद्र होता है। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लग जाता है, चंद्र डोल रहा है। कई माताएं कहती हैं गुरु जी हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, बहुत गलत संगत में जा रहा है, मतलब समझ जाना कि चंद्र गड़बड़ जा रहा है, बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बेटी अगर गलत संगत में जा रही है, किसी अन्य व्यक्ति को आकर्षित हो, चंद्र गड़बड़ हो रहा है, उसका चंद्र कहीं जा रहा है, कोई पुरुष कोई लड़का कोई गलत मार्ग पर जा रहा है, चंद्र गड़बड़ हो रहा है। घर में जो क्लेश उत्पन्न होता है, घर में जो विवाद उत्पन्न होता है, उस विवाद को रोकने के लिए केवल चंद्र की ही, इसलिए तो पूर्णिमा घर की नारियां हमारे हिंदू धर्म में यहां तक स्कंद पुराण में कह दिया कि प्रत्येक पूर्णिमा, आप लोग का कभी आप लोगों ने सत्यनारायण जी की कथा कर भाई, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन्होंने कभी सत्यनारायण की कथा कर भाई होगी, तो उसमें लिखा है हर कार्तिक हर पूर्णिमा को हर संक्रांति को ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की कथा या राजा या वैश्य कथा को कराता था या बढ़िया कथा कराता, सुनी कि नहीं सुनी बात, सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है, स्कंद पुराण के अंतर्गत जो सत्यनारायण भगवान की कथा का स्मरण किया उसमें लिखा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना, आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल, एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए, एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर कर रख दीजिए, और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान, शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली, चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर कर बेलपत्र समर्पित कर शिव जी पर एक लोटा पानी एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर वापिस घर को आइए, अगली पूर्णिमा आएगी जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण करेगी। जिसके शरीर पर सफेद दाग पड़ गए हो, चर्म रोग हो गया हो, चमड़ी सफेद पड़ गई हो, पूर्णिमा के दिन गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए उस बछड़े का मुख में जो फेन आए उसको निकाल लीजिए, पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे शरीर में जहां जहां पर सफेद दाग पड़ गए हो, चमड़ी सफेद हो गई हो, उस जगह पर लगा लीजिए, चंद्रमा की रोशनी में कम से कम आधा घंटा बैठ जाइए, और बैठने के बाद में उसके बाद में फिर स्नान कर लीजिए, 2 या 3 पूर्णिमा उस फेन का प्रयोग कर देखिए, चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाती है। महाराज माता गौ माता के दूध में और बछड़ा जब दूध पान करता है पीता है उसमें जो बल उत्पन्न होता है वो बल की परिभाषा कहीं वर्णित नहीं हो सकती, उसका सुख ही दूसरा। आप उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। स्कंद पुराण कहती है जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए
करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहां से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया। तो निवेदन है, कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए, सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा, यदि आपको कर्जा हो गया है, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बट के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए एक लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल, चावल पीस के गला लेना चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए महाराज। दो या तीन सोमवार एक ही जगह पर करना, तीन सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग दो से तीन महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जलवृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़का वृक्ष आप रूप फैलता जाता है, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है एक महीना दो महीना तीन महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती है। बटकेश्वर महादेव का स्मरण सुख का देना हो। विशेष जब कामना रहती है, विशेष कामना, आज आपका मन कर गया एक स्वाद चावल के दाने मेरे को शिवजी को चढ़ाना, एक स्वाद चावल के दाने मुझे शंकर भगवान को चढ़ाना, विशेष आज आपके मन में कोई मनोरथ बड़ा है, कोई कामना बड़ी है और बाबा से आपने विनती करी कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, आप पूरा करोगे मुझे विश्वास है, 108 चावल के दाने चढ़ाना है। आपने चंदन लगाया, हाथ की हथेली पर 108 चावल के दाने जो घर से गिनकर लेकर गए हो उसको हथेली में रखा, एक एक चावल का दाना नहीं चढ़ाया, हथेली में रखकर जब विशेष कामना, जैसे किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से पूछा जाए पूजन होने के बाद में विशेष अर्घ दिया जाता है, विशेष अर्घ, उसी तरह विशेष कामना के लिए बटकेश्वर महादेव। फिर से बोलो बटकेश्वर महादेव। एक बात याद रखना, अगर हमारे व्यापार नहीं चल रहा हो, दुकान धंधा पानी नहीं चल रहा हो, दुकान पर 24 घंटे बैठो तो व्यापार नहीं होता, घर में लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, पैसा नहीं आ रहा हो, तो बड़ के पेड़ के नीचे पीपल के पत्ते के ऊपर बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी को गीला कर पीपल के पान पर पीपल के पत्ते पर एक शंकर जी के शिवलिंग का निर्माण करो। क्या बनाना है? शंकर भगवान का शिवलिंग, शिवलिंग बनाकर उसकी बटकेश्वर महादेव के नाम से पूजन करो। सात बार कच्चा दही चढ़ा दीजिए, उस दही को थोड़ा सा चम्मच में उठा लीजिए, उस दही को लाकर जहां तुम्हारा व्यापार है, जहां तुम कमाने के लिए बैठते हो, दुकान पर बैठते हो, उस दुकान पर उस दही से स्वस्तिक बना दीजिए और इस पीपल के पत्ते पर जो बटकेश्वर महादेव का तुमने निर्माण करा है इसको ले जाकर विसर्जन कर दीजिए, आपकी दुकान 3 महीने के अंदर धड़ाके से चलना प्रारंभ हो जाएगी महाराज, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आएगी।